हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोको, जो स्पेशली WAP 7, WAG 9 और WAP 5 लोको होते हैं, उनमें जो कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं उनका कैपेसिटी टेस्ट कैसे किया जाता है और कैपेसिटी टेस्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, थ्री फेस लोको में इस तरह के दो कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं और उन कंप्रेसर की कैपेसिटी का टेस्ट किस लिए किया जाता है और कैपेसिटी टेस्ट करने की ज़रूरत हमें कब और क्यों पड़ती है, वो भी हम इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी कि चाहे कोई भी थ्री फेस लोको हो, WAP 9 या WAP 5, उसमें इस तरह के टोटल दो कंप्रेसर लगे हुए रहेंगे। एक तो ये है और एक अपोजिट साइड दूसरा कंप्रेसर लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि लोको में लगे कंप्रेसर का कैपेसिटी टेस्ट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कैपेसिटी टेस्ट करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब ये जो लोको है, ये लोको सिंगल तो चलता नहीं है, लोको लोड के साथ चलता है, तो इसके पीछे बहुत सारे लोड लगे रहते हैं। अब मान लीजिए लोड में कहीं किसी तरह का कोई लीकेज है, तो कंप्रेसर को प्रेशर बनाने में जो नॉर्मली समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगेगा। तो हम उस बात के लिए हम इसमें कैपेसिटी टेस्ट करते हैं कि कंप्रेसर जो नॉर्मली टाइम है वो अपने टाइम में प्रेशर बना रहा है या नहीं, और अगर लोड में कहीं किसी तरह का कोई लीकेज हुआ तो वो प्रेशर को मेंटेन रखने में जो है सक्षम है या नहीं, इसलिए हम इसका कैपेसिटी टेस्ट करते हैं, और जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि लोड में लीकेज होने के कारण जो है कि कंप्रेसर जो है प्रेशर बराबर नहीं बना पाता है, और जिससे MR प्रेशर लोको में नहीं बढ़ता है तो गाड़ी के संचलन में प्रॉब्लम आती है। तो अब आगे बात करेंगे कि इस कंप्रेसर का कैपेसिटी टेस्ट किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको लोको की कैब में आना है और लोको को सामान्य रूप से एनर्जाइज कर लेना है। लोको एनर्जाइज करने के बाद जो है कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलेंगे और लोको में यहाँ पे MR प्रेशर और यहाँ पे BP प्रेशर शो करेगा। तो हमको BP प्रेशर 5 kg और MR प्रेशर 8 से 10 kg के बीच में बना लेना है, और उसके बाद नीचे आगे की तरफ जाना है जहाँ BP एंगल कॉक लगा हुआ रहता है। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं, फिर आगे की विधि आपको बताते हैं। देख सकते हैं आप, अभी हम लोगों के सामने की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो BP एंगल कॉक लगा हुआ है और इसमें जो ये BP रबड़ पाइप लगा हुआ है, इसमें हम एक पाम लगाएंगे, 7.5 mm लीक होल वाली पाम लगाएंगे, जिससे इसका टेस्ट किया जाता है। देखिए, ये 7.5 mm लीक होल वाली पाम है और इसको अभी हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर आगे की विधि के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये 7.5 mm वाली पाम को BP पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये BP एंगल कॉक के साथ जो BP पाइप अटैच है उसके साथ में हमने ये 7.5 mm लीक होल वाली पाम को लगा दिया है। अब हम इसका एंगल कॉक को ओपन करेंगे। एंगल कॉक को अब ओपन करना है हमें। देखिए, अब एंगल कॉक को ओपन कर रहे हैं। तो BP एंगल कॉक के साथ जो BP पाइप लगा हुआ है उसमें हम 7.5 mm की लीक होल वाली पाम को लगाकर लोको की कैब में आ चुके हैं। अब लोको की कैब में आने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि लोको में जो BP प्रेशर का गेज लगा हुआ है उसमें 1 kg/cm² से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, या फिर 4.0 kg से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए 1 मिनट में।
चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोको में अभी आगे एंगल कॉक खुला हुआ है और 7.5 mm लीक होल वाली पाम लगी हुई है। और लोको में देखिए ये बीपी गेज में प्रेशर 4.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए एक मिनट में। सो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में थ्री फेस लोको में लगे कंप्रेसर का कैपेसिटी टेस्ट या लीकेज टेस्ट किस तरह से किया जाता है उसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी है। सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।